अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार के बीच में कोई थर्ड इंसान आ चुका है, कोई और आ चुका है जिसके वजह से आपका जो पार्टनर है अब आपको पहले की तरह टाइम नहीं देता, पहले की तरह ट्रीट नहीं करता, अब आपके पार्टनर का दिल उसके ऊपर जाने लगा है और आप परेशान है कि अपने पार्टनर को वापस कैसे लेकर आए, उस थर्ड इंसान को अपने प्यार के बीच में से कैसे निकालें, तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। आपको ये टिप्स फॉलो ही करनी पड़ेंगी, तभी वो थर्ड इंसान आपके पार्टनर को छोड़ेगा, आपके प्यार के बीच में से निकलेगा। और उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए, वो है उस थर्ड इंसान के बारे में कोई बुराई ना करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी होती है ना, वो ये कि जब कोई थर्ड इंसान आपके प्यार के बीच में आता है ना, तो थर्ड इंसान की बुराई करना शुरू कर देते हैं आप अपने पार्टनर के सामने। मान लीजिए वो आपके पार्टनर का फ्रेंड है और आपको पता है कि वो फ्रेंड से ज्यादा होने लगा है, तो आप क्या करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं, अपने पार्टनर को बताते हैं उसकी कमियों के बारे में, ये सोच के कि आपका पार्टनर उसको छोड़ देगा, उसको भूल जाएगा और आपके साथ में रहेगा। बट जो रिजल्ट होता है ना, वो एकदम उल्टा होता है। इससे क्या होता है, आपका जो पार्टनर है उससे ज्यादा अटैच होने लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें जिस चीज के लिए मना किया जाए ना, हम वही करना पसंद करते हैं, हमें वही काम करने में ज्यादा मजा आता है। डॉक्टर कह देगा ना आज से चावल नहीं खाने हैं, तो आपको चावल ही खाने होंगे, आपका मन चावल खाने का ही होगा। मम्मी जिस दोस्त की मना कर देंगे ना कि बेटा उस लड़के के साथ मत घूमो, निहायत ही गंदा लड़का है, आपको उसी के साथ में घूमना है, मजा आपको उसी के साथ में आएगा। एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। सो जब आप उस इंसान की, थर्ड पर्सन की बुराई करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं अपने पार्टनर से ना, जितना आप दूर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका पार्टनर आपके नेगेटिव बातों की वजह से उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है, उससे जुड़ता है, उसके तरफ खिंचता है। तो कभी भी ये काम ना करें, उस थर्ड इंसान की बुराई अपने पार्टनर से ना करें, क्योंकि इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। दूसरा, ज्यादा रोकने की कोशिश ना करें अपने पार्टनर को, कहीं ये ना करें कि रोकर दिखा रहे हैं, बिलक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं प्यार की कि लौट आओ, उसके पास मत जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करूंगा या फिर करूंगी। इससे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके पार्टनर पे, वो उस थर्ड इंसान के साथ में रहेगा ही रहेगा। जितना ज्यादा आप रोएंगे पीटेंगे, उतना ज्यादा आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आपका रोना बिलखना दिखाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, आप मरे जा रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू करता है। इससे समवेयर ना आपकी खुद की वैल्यू उसकी नजरों में कम हो रही है। सो कभी भी रोना बिलखना ना करें, उसके पीछे रोए ना, उसको ये ना दिखाएं कि आप मर गए, वो वापस नहीं आने वाला आपके पास, आपके पार्टनर को जाना है, वो चला ही जाएगा, थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो थर्ड चीज आपको करनी है, वो ये कि अपने पार्टनर को ना अब्यूज ना करें, नेगेटिव शब्द ना बोलें, उसको कोसे ना। आपका पार्टनर अगर जा रहा है ना, तो उसको प्यार से समझाएं, प्यार से बुलाएं, अपना प्यार दिखाएं कि आप कितना प्यार करते हैं, ये चलेगा। बट अगर आप सोचते हैं कि आप उसको रोक नहीं पा रहे अपने पास, तो आप क्या करते हैं, उसको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, मिसबिहेव शुरू कर देते हैं। मैनी टाइम आप क्या करते हैं, आप उसके न्यू बॉयफ्रेंड या फिर न्यू गर्लफ्रेंड को अपने बारे में बताने लगते हैं कि यार मैंने इसके साथ में सब कुछ किया है, आप पर्सनल फोटो भेज देते हैं, आप सब कुछ करते हैं ताकि वो थर्ड इंसान आपके प्यार से दूर हो जाए। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना, बहुत नेगेटिव पड़ता है। इस हरकत से जो आप करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, वो दोनों ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, आप अपने पार्टनर की नजरों में एक विलन बन जाते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि यार कितना घटिया आदमी है, ये तो मेरी इज्जत भी नहीं करता, मेरे न्यू बॉयफ्रेंड के आगे या किसी थर्ड इंसान के आगे मेरी इज्जत नहीं रखी इसने, मेरी बेइज्जती कर दी, तो वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे और कट जाएगा। और जो नया इंसान है, जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसको प्यार करता है, नए नए रिश्ते में अट्रैक्ट हुआ है, वो आपकी चार बातें सुन के, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानकर उसको अपनाता है, उसको छोड़ता नहीं है। और इससे वो इंसान आपके पार्टनर की नजरों में हीरो और आप विलेन बन जाते हैं।
आप अपने पार्टनर को वापस नहीं लेकर आ पाते, बल्कि थर्ड इंसान की जो जगह है वो ज्यादा गहरी हो जाती है आपके पार्टनर की नजरों में लाइफ में। ये काम आप कभी ना करें। अब आप कहिए कि मैम आपने ये तो बता दिया ये ना करो वो ना करो, आखिर करें क्या? तो देखिए करना क्या है, जाने दो उसे। जो इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा, जिसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जिंदगी में जो है वो आपसे बेटर है, तो उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। प्यार दिखाओ, समझाओ, अपनी फीलिंग समझाओ, बताओ कि अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप सुधार लोगे। लेकिन इसके बाद भी, समझाने के बाद भी आपका पार्टनर नहीं मानता, तो जोर जबरदस्ती से रोको ना, बेइज्जती मत करो, गाली गलौज मत करो, उसके पार्टनर से कुछ मत बोलो, उस लड़के के अंदर कमी मत निकालो, प्यार से जाने दो। जब वो खुशी खुशी जाएगा ना, तो जाते टाइम आपके लिए कुछ नेगेटिव फील नहीं रखेगा। वहां पर तो चला गया वो, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोच पाएगा कि यार इसने मुझे मारा है तो गाली दी है तो अब्यूज किया है तो ये किया है, वो कुछ नहीं फील करेगा, वो खुशी खुशी जाएगा। और वो जो नया प्यार है, वो 4 दिन तो उसको अच्छा लगेगा, 5वें दिन उसको सडन आपकी याद आने लगेगी, और वहां पर जाने के बाद आपकी यादें उसके दिल में जगह बनाने लगेंगी, उसके दिल में गहरी होने लगेंगी। होता क्या है, नया नया प्यार तो अच्छा लगता है, नई नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन एट लास्ट टिकता वही है जिसके साथ में आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया है, उसको वही टिकना है एंड में। नया इंसान कभी नहीं टिकता, नया इंसान को जाना ही जाना है। सो जब आप प्यार से जाने देंगे ना, तो 2 या 3 महीने, 4 महीने या हद से हद 6 महीने वो लोग बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पीली रहेंगे, इंजॉय करेंगे। बट उसके बाद उस इंसान के ऊपर आपकी यादें, आपका प्यार, वो पुरानी लाइफ हावी होने लगेगी, इम्पैक्ट करने लगेगी। फिर वो इंसान आपको और उस इंसान को कंपेयर करने लगेगा कि कौन ज्यादा बेटर है। और क्योंकि आपके साथ में वक्त ज्यादा गुजारा है, आपके साथ बहुत लंबे टाइम से है, तो पलड़ा आपका ही भारी रहने वाला है, और वो अल्टीमेटली आपको बहुत मिस करने वाला है, क्योंकि आपने उसको प्यार से जाने दिया था ना, इसलिए आपकी याद जल्दी आएगी। इसके साथ जो दूसरा काम आपको करना है, इसका ध्यान रखना है कि उसको कहीं से भी ना ब्लॉक ना करें। आप उसको आने के लिए एक जगह दें। अगर मेनी टाइम क्या होता है, आप लोग ब्लॉक कर देते हैं उसको सब जगह से, तो जब उसको याद आएगी वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा आपसे, नहीं कर पाएगा। तो ब्लॉक मत कीजिए, अगर सब जगह से करना है तो कहीं एक जगह से उसको अनब्लॉक कर दीजिए, ताकि कोई तो रास्ता हो उसके पास, आपके पास वापिस आने का, आपका दोबारा प्यार बनने का एक मौका दीजिए, एक जगह छोड़िए, ताकि 4 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी उसको याद आए तो आपसे कॉन्टेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि वो कॉन्टेक्ट करना चाह रहा हो, उसको कोई रीजन ना मिले, कोई तरीका ना मिले, वो ना करे। तो उसको अनब्लॉक करके रखिए किसी एक जगह से, अगर आप वापिस चाहते हैं उस इंसान को। तो साथ ही साथ उसकी, जब भी ऐसा होता है ना कि वो नए इंसान के साथ में अपनी कोई प्रोफाइल लगा रहा है, व्हाट्सएप लगा रहा है, कभी स्टेटस लगा रहा है, तो स्टेटस पे आप कोई रिप्लाई ना दे, उससे कॉन्टेक्ट खत्म कर ले बिल्कुल ही। ब्लॉक नहीं करना है, उसको जाने देना है, और थर्ड, उसको स्टॉक नहीं करना है, उसको कॉल या मैसेज भी नहीं करने हैं, उसकी जिंदगी से एकदम गायब हो जाना है। अगर आप उसकी लाइफ में बने रहेंगे एज अ फ्रेंड, तो वो जो इंसान है वो उसके साथ में भी रहेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा, और वो लौट कर भी नहीं आएगा। बट अगर आप एकदम ही गायब हो जाते हैं उससे ये बोल के कि यार ठीक है तू एक को चूज कर, उसके साथ रहना है तो उसके साथ रह, मुझे छोड़ दे, और आप उसकी जिंदगी से एकदम गायब हो जाए, उसको दिखना बंद हो जाए, उसका कॉल ना उठाए, सब जगह से ऑनलाइन नहीं जाए, उसकी किसी चीज पर रिएक्ट ना करें, तो क्या होगा, वो इंसान आपको खोजेगा, यार कहाँ गया, कल तक तो मेरी बात हो रही थी अब नहीं दिख रहा। तो वो उसके साथ में है लेकिन तब भी आपको मिस करेगा, क्योंकि आप कहीं नहीं दिख रहे, आप गायब हो चुके हैं। तो उसके अंदर एक बेचैनी, घबराहट होगी आपको देखने की, आपसे बात करने की, क्योंकि आपकी भी तो एक लत बन चुकी है ना उसे, वो नया नया प्यार है बट आपसे भी तो कोई रिश्ता रहा है, आपको हमेशा के लिए कैसे भूल सकता है कोई इंसान, नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो, आज नहीं तो कल उसको याद आएगी आपकी, और वो याद जल्दी तभी आएगी जब आप गायब हो जाएंगे। अगर आप नजरों के आगे दिखते रहेंगे ना, तो वो याद नहीं आने वाली। सो नजरों के सामने से गायब होना जरूरी है, उसको ना दिखो ये जरूरी है। आपके बारे में
उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ना मिले ये जरूरी है। ऐसे में बहुत जल्दी वो इंसान आपको मिस करना शुरू कर देगा और आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। इसके साथ में जो फोर्थ चीज आपको करनी है वो है पेशेंस दिखाना। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैरी टाइम क्या होता है, आप एक दो महीने में ही बेचैन हो जाते हैं कि यार नहीं आई वापस, चली गई छोड़ के, वो थर्ड इंसान ले गया उसको, अरे कहीं नहीं ले गया, आएगी, 6 महीने छोड़ दो। 6 महीने में सबका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं चलता है। 2-3 महीने 4 महीने बहुत इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनको लगेगा कि वो बेस्ट कपल है इस दुनिया के, सामने वाला बेस्ट इंसान है जिंदगी का। बट ये सब कुछ महीनों के लिए होगा, कुछ महीनों बाद कहानी वही की वही आ जाएगी, जब एक दूसरे की कमियां वो लोग देखेंगे। शुरू में क्या होता है, नए नए रिश्ते में सामने वाले की सिर्फ खूबियां दिखती हैं, कमियां किसी की किसी को नहीं दिखती। इसलिए वो नया नया प्यार, वो थर्ड पर्सन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बट वक्त गुजरने के बाद उस प्यारे इंसान के अंदर जो कमियां है वो दिखने लगेंगी, और जैसे ही कमियां दिखेंगी इस इंसान को आपकी याद आएगी और फिर ये आपके पास लौटेगा। बट इस बीच में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस कि आप उसको स्टॉप ना करें, पेशेंस कि आप उसको गंदा ना बोलें, पेशेंस कि आप उसके आगे पीछे ना घूमें, रोए ना, पेशेंस कि आप शांति से सब्र करके वेट करते रहें। ये करना ही आपको पड़ेगा, और यकीन मानिए विदिन 6 मंथ वो जो प्यार है, वो जो थर्ड पर्सन है, वो चला जाएगा छोड़ के। ये आपका जो पार्टनर है ना, खुद उसको छोड़ के आपके पास में आएगा। बट ये चीजें आपको अपनानी ही पड़ेंगी, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। सो डू दिस एंड जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होता है, कैसे एक थर्ड इंसान निकलता है आपके प्यार के बीच में से। सो अगर आपका प्यार जाना चाहता है थर्ड पर्सन के साथ में, तो जाने दीजिए और इंतजार कीजिए। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। बट अगर ये यूजफुल ना लगी है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हम उससे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड़ होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।